माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी घोषणा के मुताबिक वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू प्लान के लिए भुगतान नहीं किया है उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां शामिल है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया उन अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। इस बात पर उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए मंथली चार्ज देना पड़ेगा। ट्विटर की नई व्यवस्था लागू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बसपा सुप्रीमो मायावती, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित सरकार के मंत्रियों, राजनीतिक दलों के नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक साइन हटा दिए गए हैं। सीएम, डिप्टी सीएम सहित नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक साइन हटते ही सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया। मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ही कई नए फैसले लिए थे जिसमें ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन भी शामिल था। भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की सुविधा कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई है। ट्विटर ब्लू की भारत में मोबाइल के लिए हर महीने 900 रुपए और वेब वर्जन के लिए 650 रुपए की कीमत तय की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें।